नमस्कार, अर्गसर स्वतंत्र साक्षात्कार कार्यक्रम को स्वागत करुच्छी मु शांति भूषण। आज आम सहित अच्छा विशेष अतिथि राम माधव। आपण मैंने समस्ते राम माधव को जानते से आरएसएस जातीय कार्यकारिणी सदस्य तथा बीजेपी पूर्वतन राष्ट्रीय साधारण संपादक, जड़े प्रतिष्ठित लेखक, धूर्णी राजनीतिज्ञ एवं जड़े विचक्षण रणनीतिकार भाव से बेस परिचित। जितेबाला से बीजेपी थिले से नॉर्थ ईस्ट एवं जम्मू काश्मीर प्रभारी भाव दायित्व तुलाई। एबे किछि दिन पूर्व रचित बुक हिंदुत्व पाराडाइम को नहीं एबे देशर राजनीतिक पाणीपागरे बहुची एक झड़। आज आम सहित राम माधव अच्छा सहित अधिक कथा बा। राम माधव जी, आपको स्वागत करते हैं अर्गस न्यूज में। पहले आपकी किताब के बारे में, ये हिंदुत्व पाराडाइम में क्या है, इसके नामकरण के पीछे कोई स्पेशल वजह है? वजह तो जरूर है, पर मैं उससे ज़्यादा कहता हूँ कि वर्तमान के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक किताब है। आप इस बीच का कुछ बहस को सुन रहे ही होंगे कि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी जी ने एक अमेरिकन कांग्रेस के लिए एक साक्षात्कार दे दिया कांग्रेसमैन के लिए। उसमें उन्होंने कहा कि भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नहीं चाहिए जी, हमको एक सिविक नेशनलिज्म लेकर चलना चाहिए, एक कल्चर गिल्चर पे चक्कर पे नहीं पड़ना चाहिए। और दो तीन दिन पहले पार्लियामेंट में श्रीमान राहुल गांधी, विपक्ष का नेता, खड़ा होकर ये बोलने लगे कि हमारे संविधान के चलते तो भारत एक नेशन ही नहीं है जी, संविधान तो भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा है। ये जो इस समय एक नया संभ्रम कंफ्यूजन क्रिएट करने का प्रयास हो रहा है, एक तो हमारा कोई संस्कृति नहीं है, प्राचीन सांस्कृतिक राष्ट्र हम नहीं है, और हम राष्ट्र ही नहीं है, राज्यों का एक समावेश है। इस प्रकार का जो गलत बहस चल रहा है ये देश के लिए घातक है। तो यह जो किताब है इस बात को प्रस्थापित करता है कि भारत एक राष्ट्र है, एक प्राचीन राष्ट्र है, एक संस्कृति के आधार पर एक होकर चलने वाला विभिन्न राज्य, विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कृति संप्रदाय होते हुए भी एक समाज के रूप में चलने वाला एक राष्ट्र प्राचीन राष्ट्र है। इस बात को पहली बात ये कहता है। दूसरा, अभी तक हमारे देश में आज़ादी के बाद जिस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस हम लेकर चल रहे हैं वो सब यूरोप मूल के हैं जी, यूरोप में उनका विचार हुआ उसके आधार पर हम चल रहे हैं, वो गलत मैं नहीं कह रहा हूँ, उसके आधार पर हमने काफ़ी प्रगति ली है। आज 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है, अमृत महोत्सव है, काफ़ी प्रगति हुई है, पर फिर भी कई समस्याएँ रह गई है, सामाजिक समस्याएँ हैं, जातिवाद है, पिछड़ापन है, ये सब है। इनके लिए एक भारतीय विकल्प हो सकता है क्या जी? यह किताब उस बात की चर्चा करती है। एक तो हमारा प्राचीन सांस्कृतिक राष्ट्र इसकी परिकल्पना को समझाता है, और हमारा विकल्प क्या हो सकता है वर्तमान के लिए उस पर एक पुस्तक चर्चा करता है। इसलिए प्रासंगिक है। हिंदुत्व में इसलिए कहता हूँ क्योंकि जितने आज हिंदुत्ववादी संस्था है, नेता है, हम सब इसी विचार से प्रेरित है, इसलिए मैंने उसका नाम हिंदुत्व पैराडाइम रखा है। लेकिन इस पुस्तक को लेकर कुछ लोग विवाद कर रहे हैं, क्यों विवाद कर रहे हैं? हिंदुत्व को लेकर कुछ लोग उनको ये जचता नहीं है, उनको पछता नहीं है, तो आपत्ति करने का प्रयास करते हैं। मैं कहता हूँ हिंदुत्व क्यों आपत्ति वही है, क्योंकि नासमझी के कारण, गलत फहमी के कारण होता है। हिंदुत्व यानी हिंदुइज्म ही है, हमारा प्राचीन धर्म संस्कृति जो कहता है वही हिंदुत्व है। पर आजकल राहुल गांधी ये भी कहता है ना, हिंदुत्व अलग है, हिंदुइज्म अलग है, कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही बात है। हिंदुइज्म एक विचार है, उसका जो अनुकरण है, उसका जो एप्लीकेशन है वो हिंदुत्व है। हिंदुत्व एक सिर्फ एक पॉलिटिकल टर्म नहीं है, ये एक विचारधारा है, एक विजन है, एक दृष्टिकोण है। विचारधारा है ना, आइडियोलॉजी का रूप में भी नहीं है, एक विचार है, सबको साथ लेकर चलने वाला विचार है, जिसको अंग्रेजी में इंक्लूसिव बोलते हैं। बट जो प्रचार करते हैं हमारे खिलाफ वो कहते हैं कि हिंदुत्व एक्सक्लूसिव है। नहीं, अच्छा। हिंदुत्व हिंदुइज्म जैसे इंक्लूसिव है, हिंदुत्व भी क्या डिफरेंस है हिंदुत्व और हिंदुइज्म? नो डिफरेंस, इनफैक्ट इसका ये दिस टू आर डिफरेंट, ऐसा प्रचार जो कर रहे हैं कुछ राजनीतिक लोग, जैसा राहुल गांधी का नाम तो मैं लिया हूँ, वो गलत कह रहे हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, हिंदुइज्म कहो, हिंदुत्व कहो, इंडियन कल्चर कहो, भारतीय संस्कृति कहो, ये सब एक ही बात है। हजारों वर्षों से इस देश के अंदर ये जो संस्कृति, परंपरा, वैल्यूज, मूल्य रहे हैं वही हिंदुत्व है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले आपकी ये पुस्तक, ये इसका विमोचन क्या एक सोची समझी रणनीति है या ये एक संयोग है? नहीं, शांति भूषण जी, पहले ये बताइए अपने देश में चुनाव कब नहीं है? अभी तो मैं उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद लिखता हूँ, तो आप पूछेंगे कि गुजरात के लिए लिखे है क्या?
तो भारत में चुनाव हमेशा होते हैं, इस किताब का चुनाव से कोई संबंध नहीं है। और वैसे तो ये किताब इंग्लिश में है, उत्तर प्रदेश तो हिंदी राज्य है, इसलिए अगर कोई ये चर्चा तो है कि चर्चा तो होगा ये पुस्तक में क्या है, नहीं, इस किताब पर चर्चा विश्व भर में हो भी रहा है। मुझे तो ये कहते हुए प्रसन्नता है कि इसका फर्स्ट प्रिंट तो 20 दिन में पूरा सेल आउट हो गया था। चर्चा होनी चाहिए क्योंकि ये भारत का मूलभूत विचार है, और हमारे आंदोलन के जो एक बहुत अग्रज चिंतक रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने एक इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का फिलॉसफी रखा, उसके आधारित मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि यूपी में ये जो लोग विवाद कर रहे हैं उसको आपत्ति होगा आपके बुक को लेकर? हो सकता है उनकी आपत्ति के चलते तो मैं लिखना बंद नहीं करूंगा, और इस विषय पर अगर चर्चा अच्छा होकर उससे कुछ किसी राजनीतिक दल को फायदा होता है तो मुझे आपत्ति नहीं। ये विषय जो मैं लिखा हूँ हमारे विचार के कन्विक्शन पर लिखा हूँ, पर राजनीतिक उद्देश्य से नहीं लिखा। राजनीतिक दल को फायदा होगा? होगा तो देखिए, उस राजनीतिक दल जिसकी तरफ आपका इशारा है वो तो हिंदुत्व की विचार से प्रेरित दल ही है, वो कोई मैं नया कह रहा हूँ ऐसा तो है नहीं, वो तो हमेशा उस विचार के प्रति अपने जो समर्थन है वो बताते रहा है। अच्छा ठीक है, जम्मू कश्मीर के प्रभारी थे, जम्मू कश्मीर के लिए कुछ सवाल है, क्या कश्मीर में अभी भी अल्पसंख्यक हिंदू और पंडितों को सताया जा रहा है? एक समय ऐसा जरूर था जो आपने कहा है, कश्मीर के अंदर, कश्मीर घाटी के अंदर से पंडितों को बहुत क्रूरता के साथ भगाया गया था, तो लगभग 1.5-2 लाख कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर बाहर चले गए, 1 लाख लोग अब जम्मू में रहते हैं, बाकी लोग पूरे देश दुनिया में चले गए, एक दुर्भाग्यपूर्ण फेस था। आज तो खैर घाटी के अंदर हिंदू बहुत कम संख्या में है, पंडित बहुत कम संख्या में है, वहाँ आतंक जो चलता था और एक अलगाववाद चलता था उसके जड़ में 370 आर्टिकल थी। 2 साल पहले भारत सरकार ने, हम सबको विदित है, उस आर्टिकल को निरस्त किया, करने के बाद पिछले 2-2.5 साल में उस राज्य में काफी अंतर आया है। जी क्या अंतर आया है? टेररिज्म भले ही थोड़ा बहुत है, 35A खत्म होने के बाद काफी परिस्थिति क्या बदलाव आया है? सबसे पहली बात तो आपने देखा है, तो जब उसको समाप्त करने का निर्णय पार्लियामेंट कर रहा था, पार्लियामेंट में हो रहा था, तो विपक्ष के नेता खड़े होकर बोलने लगे कि ब्लड बाथ हो जाएगा कश्मीर में। अच्छा, हमने देखा कि कोई ब्लड बाथ नहीं हुआ, और लोग कोई विरोध में सड़कों पर उतर कर नहीं आए। आज भी आपको कोई ऐसा दृश्य नहीं दिखेगा कि हजारों लोग सड़क पर आ गए हो इस निर्णय के खिलाफ। सामान्य जन इस निर्णय का स्वागत किए है, वो बहुत बड़ा अंतर आया है। पत्थरबाजी तो कम हुआ है लेकिन आतंकवाद पूरा खत्म नहीं हुआ? आतंकवाद काफी कम हुआ है अभी है। देखिए आतंकवाद पूरा समाप्त होने के लिए जरूर समय लगेगा, बट पहली बात तो वहाँ की जनता के मन से ये भावना गई कि हम अलग है, हम भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, ये भावना वहाँ निर्माण हो रही है, प्लस बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। और जिस पंडित की बात आपने कही है, 3,000 पंडित को वापस जाने के लिए नौकरियाँ दी गई है, और देश भर से छोटे छोटे व्यापार करने वाले, व्यवसाय करने वाले जा रहे हैं, और सबसे सुखद बात टूरिज्म क्षेत्र में डेवलप हुआ है, वो तो मैं कहने वाला हूँ। सबसे सुखद बात पिछले नहीं, लास्ट ईयर विंटर आने से पहले, विंटर अक्टूबर में सेट होता है, सितंबर माह में उस राज्य का टूरिज्म की संख्या 14 लाख था। अच्छा। मैं कह सकता हूँ कि उड़ीसा में भी इतने टूरिस्ट नहीं आए होंगे एक महीने में, तो सितंबर 14 लाख था, उससे पहले 12 लाख था, तो कोरोना बहुत बड़ा है। ये कोरोना काल में आप जो बोल रहे हैं, कोरोना, अभी कोरोना, जब कोरोना तो कम हो ही रहा था, इस समय वहाँ टूरिज्म बहुत बढ़ा है, टूरिज्म बढ़ने से वहाँ के लोगों का इनकम भी बढ़ रहा है। जी अभी एक पॉलिटिकल सवाल कश्मीर को लेकर, जी आप यहाँ थे, प्रभारी थे, बीजेपी कश्मीर में कितने ताकतवर है? आने वाले दिनों में यहाँ इलेक्शन होता है तो बीजेपी गवर्नमेंट करने के लिए, सरकार बनाने के लिए सक्षम है, ये हम बता सकते हैं? आज से 5-6 साल पहले तक जम्मू कश्मीर के भी बीजेपी लोगों को लगता था कि हमको तो यहाँ हिंदू पार्टी घोषित कर दिया है वहाँ के जो बाकी दलों ने, तो हम सत्ता में ही नहीं आ पाएंगे। पर वहाँ से आज आप प्रश्न भी ये कर रहे हैं कि क्या नेक्स्ट सरकार में बीजेपी सरकार अपने आप बनाएगी? हाँ, क्या आज उतना तक बीजेपी की ताकत वहाँ जरूर बढ़ा है? मैं इतना जरूर कह सकता हूँ आने वाले समय में जो भी सरकार बनेगा उसमें बीजेपी अवश्य रहेगी, अपने दम पर बना सकती है तो अच्छी बात है, नहीं तो भी बीजेपी को छोड़कर वहाँ सरकार नहीं बन सकता है, क्योंकि बीजेपी का उस प्रकार का प्रचंड आदरण जम्मू क्षेत्र में मिलता है। अनुप्रवेश कम हुआ है, इन्फिल्ट्रेटर्स कम हुआ है जम्मू कश्मीर में?
नहीं, इन्फिल्ट्रेशन तो जम्मू कश्मीर का वो एक निरंतर चलने वाली समस्या है, पाकिस्तान से होता है, उस वह आतंक के लिए होता है, कोई वहां संख्या बदलने के लिए नहीं होता है। पहले जैसे आतंकवादी AK-56 पकड़ते थे, अभी तो वो मामला नहीं, बहुत कम हो गया है, क्योंकि हमने सीमा के ऊपर बहुत सख्ती बरता है आज के दिन में, इसलिए आज इन्फिल्ट्रेशन भी होता है तो कश्मीर की सीमा से नहीं होता है, और कहीं से घुसेगा फिर धीरे धीरे कश्मीर में पहुंचेगा, ऐसा प्रयास होता है, उसको भी नियंत्रण करने का बहुत सफल प्रयास चल रहा है। अभी उड़ीसा के इन्फिल्ट्रेटर के बारे में आपको एक सवाल है, उड़ीसा पर नज़र डाले तो यहाँ चांदीपुर मिसाइल बेस है, रोहिंग्या जो घुसपैठिए हुए उससे चांदीपुर को खतरा है, लेकिन राज्य सरकार, यहाँ का राज्य सरकार वोट के लिए उसको पहचान करने में के लिए ये आवश्यक कदम नहीं उठा रहे हैं, तो आप राज्य सरकार को क्या कहेंगे? मैं इतना जरूर कहूंगा कि देश के अंदर रोहिंग्या जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ था कुछ सालों में, उसके ऊपर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले 3-4 सालों में काफ़ी निगरानी रखी है, उसका डेटा वगैरह भी सरकार ने लिया हुआ है। राज्य सरकारों को उसको राजनीतिक फायदा के लिए उसको उपयोग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर आप जो कह रहे हैं वो अगर सच है तो वो सही नहीं है, राज्य सरकार को वो विषय सही केंद्र के ऊपर छोड़ना चाहिए। एनआईए का टीम पिछले महीने सितंबर में उड़ीसा पुलिस को सहयोग करने के लिए एनआईए का टीम आया था, 4 एसपीओनेस केस में डीआरडीओ के कर्मचारी 4 अरेस्ट हुए थे, ये मामला बहुत गंभीर है। बिल्कुल गंभीर, इसलिए एनआईए आया, इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार गंभीरता से इसके तरफ देख रहा है, राज्य सरकार को केंद्र को पूरा सहयोग देना चाहिए। मामला ये प्रकार की राजनीति देश का सुरक्षा दांव पर है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, उड़ीसा सरकार कदम नहीं उठा रहा है। नहीं बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार को पूर्ण सहयोग राज्य सरकार से मिलना चाहिए, और इस विषय पर किसी प्रकार की राजनीति सरकार को, राज्य सरकार को नहीं करनी चाहिए। कर रही है, लेकिन कर रही है राजनीति, वोट के लिए कर रही है, तो जनता के सामने विषय आएगा। ठीक है, और एक मामला है उड़ीसा, सबसे बड़ा समस्या है धर्मांतरण। यहाँ आपको पता होगा विश्व हिंदू परिषद के जो नेता थे स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती, 2008 में इनका हत्या कर दी गई थी, और फिर कंधमाल में दंगा हुआ। अभी भी ये अभियोग हो रहा है कंधमाल और उड़ीसा की अन्य जिला में धर्म परिवर्तन ये बड़े पैमाने पर चल रहा है, उड़ीसा सरकार को आप क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल, यहाँ धर्म परिवर्तन जो प्रलोभन देकर लालच देकर होता है उस पर नियंत्रण करने के लिए राज्य सरकार के पास कानून है इस राज्य में जी, एंटी कन्वर्शन लॉ है यहाँ, फिर भी राज्य सरकार यहाँ हमेशा ये नीति यहाँ रही है कि उस विषय की अनदेखी करना, उसका राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास करना, वही कारण था यहाँ ट्राइबल क्षेत्र विशेषकर तनाव में भी आता रहा हमेशा, अनेक बार ये कन्वर्शंस और इसके खिलाफ लोगों का आंदोलन, उसमें कई बार यहाँ लैंड ऑर्डर का भी सिचुएशन हो जाता है। दुर्भाग्य ये है कि सरकार जितना उस पर स्पष्ट नीति अपनाना है, कानून होकर भी, और कोई राज्य में कानून शायद नहीं है, हाँ या कानून भी है उस समय जी, फिर भी सरकार अमल नहीं करती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब माओवादी चर्च के साथ मिलकर कुछ साजिश रचेंगे और हिंसा करेंगे तब खतरा कितना होगा, कितना भयानक होगा? न कितना भयानक होगा इसका तो प्रत्यक्ष अनुभव ने लक्ष्मणानंद सरस्वती जी की हत्या में देखा है। वो हत्या माओवादी और कुछ इस प्रकार के गलत रास्ते पर चलने वाले मिशनरियों के आपसी साजिश के कारण हुआ, यह प्रखर एक विश्वास यहाँ नहीं पूरे देश भर में है। तो उसका कैसा दुष्परिणाम होता है, कैसे उससे हिंसा, इस प्रकार के अत्याचार बढ़ते हैं, ये सब देखा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ राज्य सरकार को इन विषयों पर एक दृढ़ता के साथ व्यवहार करना चाहिए। रोहिंग्या हो या इस प्रकार का गलत ढंग का जो धर्मांतरण की गतिविधि हो, इसके ऊपर किसी प्रकार की राजनीति राज्य सरकार को नहीं करना चाहिए। ये जो अनहोली अलायंस चर्च और माओवादी के बीच, यहाँ सिर्फ उड़ीसा में ही है और सारे ढेर सारे राज्यों में भी है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव हमने इस राज्य में किया था 2008 में, जिस लक्ष्मणानंद सरस्वती जी की हत्या की बात हुई उसमें हमने प्रत्यक्ष देखा था उसका एक बहुत दुष्परिणाम को। चर्च उन क्षेत्रों में काम करता है जहां नक्सली सक्रिय है, तो और जगह भी उनका कुछ होता होगा तो मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, और एक गंभीर आरोप है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर, आरोप यह है कि इस चर्च का उपयोग करके उड़ीसा सीमा के कुछ हिस्सों को जबरदस्त उसके राज्य में लेने की कोशिश कर रहे हैं ये, और चर्च एक गुंडे की तरह काम कर रहा है। आंध्र सीएम का जो डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी है वो पॉलिसी को वो अपना कर विस्तारवाद को प्रशय देते हैं, क्या कहेंगे आप? राज्यों के सीमा
जो राज्यों के बीच की सीमा है, यह सरहद नहीं है, इसका सरहद शब्द प्रयोग नहीं करूंगा मैं, सीमा है, एक रेवेन्यू बॉर्डर है, उसको लेकर राज्यों के बीच कभी कभी थोड़ा तनाव होता है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री और एक दो बार बैठकर इसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। राज्य है, एक ही देश के राज्य है, और इसमें कुछ लोग अगर गलत पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, कोई चर्च की भी खेलने का कोशिश कर रहा है, तो दोनों राज्य मिलकर उसका नियंत्रण करना चाहिए। यह संवेदनशील विषय है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे ज्यादा मुझे भी कुछ करना कहना नहीं चाहिए। देखिए, एक आरोप यहाँ से लगता होगा, एक आरोप वहाँ से लगता होगा, पर वो दोनों साथ में बैठकर इसका समाधान ढूंढना चाहिए। देश में कुछ राज्यों में इस प्रकार मीडिया में रिपोर्ट आया है, ये कन्वर्सन ये सीएम की तरफ हो रहा है, सीएम कर रहे हैं लोग भेजकर। नहीं, इसलिए कह रहा हूँ इस प्रकार की बातें आती है तो दोनों मुख्यमंत्री साथ में बैठकर इसका समाधान ढूंढना चाहिए। जी, ये जब विस्तारवाद की बात आती है, चीन का बात आता है, अभी भारत की सीमाओं का हिस्सा लेने की कोशिश कर रहा है चीन, और यहाँ राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा सरकार की नीतियों के कारण से चीन और पाकिस्तान करीब हो रहे हैं भारत की, क्या कहेंगे राहुल जी? राहुल गांधी को थोड़ा पढ़ना भी चाहिए, अपना ही पार्टी का इतिहास पढ़ ले। इस देश के ऊपर आक्रमण पहली बार चीन का हुआ जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर प्रधानमंत्री थे, तो चीन का भारत के ऊपर जो आक्रमण का इतिहास बहुत पुराना है। इसमें राजनीति नहीं है, कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है। कांग्रेस का मनमोहन सिंह की सरकार के समय 2013 में 21 किलोमीटर अभी जहां हो रहा है वही लद्दाख में 21 किलोमीटर चीन की सेना भारत के भूमि के अंदर घुस कर आई थी, तब तो कांग्रेस की सरकार थी। तो इसलिए इस पर राजनीति नहीं करनी है। चीन हमारे भूमि को हड़पने का प्रयास कर रहा है, देश एकजुट होकर सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। अभी जो पॉलिसी है मोदी सरकार की, फॉरेन पॉलिसी है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। देखिए, मैं कहता हूँ, पहले जब तक यूपीए सरकार थी, नीति ये होती थी, चीन घुसकर आता था तो हम दौत्यिक यानी डिप्लोमेटिक चैनल से चीनी सरकार से बात करते थे, फिर रिक्वेस्ट करते थे, 20 दिन बाद वो वापस जाता था। पहली बार मोदी जी आने के बाद डिप्लोमेटिक बात तो कर रहे हैं, पर जमीन पर भी हम सेना को खड़ा करके उनको रोक रहे, आने नहीं दे रहे हैं। आपको ये जानकारी होगी ही, आज अगर चीन 50,000 सेना को लाके सीमा पर खड़ा की है, हम भी 50,000 को रखा है। वो टैंक्स लाए हैं, हम भी टैंक्स लेके गए हैं। वो युद्ध विमान लाए हैं, हम भी युद्ध विमान लेके गए हैं। जमीन पर भी हम एक एक इंच की भूमि की रक्षा के लिए आज हम खड़े हैं। चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारा अभी जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, कैसे देखते हैं आप? नहीं, इस समय कठिन रिलेशनशिप है। इस कठिन रिलेशनशिप के स्पष्ट कारण है, इसलिए है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज राहुल गांधी बयानबाजी कर रहे हैं, क्या मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री से, यूपी की सरकार थी, उसके बाद एक साल तक कांग्रेस सरकार होकर भी पाकिस्तान से बात नहीं किया, क्योंकि वो देश के हित में बात नहीं करना देश के हित में आवश्यक था। ऐसा ही इस समय दौत्य संबंधों में एक कोल्डनेस दिखेगा, पर अच्छा। वो आवश्यक है क्योंकि हम बॉर्डर पर तनाव में है, हमारी सीमा की रक्षा के लिए लगे हैं, तो थोड़ा बहुत दौत्य संबंधों में कठिनाई रहेगी। राहुल गांधी को इसकी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जी, ये सिटीजनशिप एक्ट CAA और NRC को लेकर आप क्या कहेंगे? ये CAA के एक्ट बन गया, कानून बन गया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो गाइडलाइन होना चाहिए अभी तक नहीं हो पाया। NRC CAA पहली बात तो दो अलग विषय है, कुछ लोग दोनों को जोड़कर फिर विवाद उससे शुरू होता है। NRC का निर्णय कांग्रेस सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप और लॉन्ग पेंडिंग एक काम को NRC के रूप में पूरा किया। असम में जो बाहर से जो लोग आए उनके आंकड़ा निकालने का प्रयास हुआ। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कुछ दूसरा है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट केवल वही है 1951 में, 1951 में नेहरू लियाकत अली एग्रीमेंट और 1972 में इंदिरा गांधी बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान, इन दोनों के बीच के एग्रीमेंट। ये दोनों एग्रीमेंट में बताया गया, हमारे पार्टीशन के टाइम और बांग्लादेश क्रिएशन के टाइम जो माइनॉरिटीज उधर से इधर आ गए हैं उनको हम यहाँ बसाएंगे। आपको आश्चर्य होगा, तब एग्रीमेंट तो हो गया बट उसका अमल नहीं हुआ। CAA उस एग्रीमेंट का अमल करता है। वो जो लोग आ गए हैं 2014 से पहले जो आ गए थे उनको 6 साल रहने के बाद सिटीजनशिप देता है, फास्ट ट्रैकिंग करता है। इस देश में सिटीजनशिप
देने लेने का अधिकार सबको है। मेरा प्रश्न है कि ये गाइडलाइन बनेगा नहीं, उसमें गाइडलाइन का जो प्रश्न है, गाइडलाइन में विलंब जरूर हुआ है, हमने भी कई इलेक्शन की वजह से या कोरोना की वजह से नहीं, क्या वो गाइडलाइन बनाने में काफी काफी मशक्कत करनी पड़ती है, उसमें हुआ है। बट सरकार ने पार्लियामेंट में कहा है कि बहुत जल्दी ही वो गाइडलाइंस अनाउंस किए जाएंगे, उसके बाद एक साल के अंदर 2014 से पहले के लोग सिटीजनशिप ले सकते हैं। जी, ये आरएसएस के बारे में एक सवाल है, मुझे मालूम नहीं है सच है या झूठ है, ये फेसबुक आरएसएस के पेज को बैन करने के लिए कोई धमकी दी थी क्या? और ये दिस इज अ डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेडिंग हेट स्पीच, ये क्या सच है? अगर नहीं, सच नहीं, बिल्कुल, है बिल्कुल, मेरी जानकारी में बिल्कुल ऐसा कोई विषय नहीं है। आरएसएस का, वैसे तो आरएसएस का एक फेसबुक पेज ऐसा नहीं है, राज्य में चलते हैं, शाखा अपने अपने शाखा अपने अपने चलाते होंगे। पंजाब, पंजाब से आया था, वेबसाइट है पंजाब में, मेरे जानकारी में नहीं है इस प्रकार का कोई चीज। लेकिन ये भी आपको ज्ञात होगा कि अल्पसंख्यक मुसलमान और ईसाई अभी भी संघ के दुश्मन के रूप में देखते हैं संघ को, कुछ लोग, बहुत लोग सच्चाई समझ रहे हैं। आजकल तो आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत जी का, उनके साथ सीधा वार्तालाप मुस्लिम समाज के, कृष्ण समाज के लोगों का सीधा होता है। फिर भी आज भी कुछ सांप्रदायिक मुस्लिम नेता है जो संघ के बारे में भ्रम फैलाते हैं, मुस्लिम नेता नहीं, इवन विपक्ष के लोग, कांग्रेस वाले झूठे प्रचार करते हैं, विपक्ष के लोग झूठे प्रचार करते हैं, आरएसएस किसी के खिलाफ नहीं है। कुछ लोगों के साथ ये कांग्रेस मिला हुआ है, बिल्कुल बदनाम करने के लिए आरएसएस को मिला हुआ, नहीं तो अपने राजनीति के लिए करता हो, बट संघ के बारे में दुष्प्रचार तो करते ही रहता है। संघ किसी के विरोधी नहीं है, ना किसी जात के, किसी मजहब के विरोधी संघ कभी नहीं रहा है। मेरा सवाल है कि ये जो मानसिकता है वो बदल सकता है या नहीं, अल्पसंख्यक या ईसाई का जो मानसिकता है संघ के विरोध? इसलिए मैं कह रहा था, हमारा इंटरेक्शन जैसे जैसे बढ़ रहा है उनमें भी कई लोग अपने पुराने धारणाओं को छोड़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं आरएसएस के बारे में हमारा कुछ लोग, कुछ मुल्ला मौलवी जो कहा था झूठ कहा था वो नहीं है, संघ वाले अच्छे लोग हैं, देशहित के लोग हैं, सबको साथ ला कर चलने वाले, ये बात समझ रहे हैं। जी, राष्ट्रवाद को लेकर एक सवाल है, ये यूरोपियन नेशनलिज्म और इंडियन नेशनलिज्म, ये इसमें क्या फर्क है? नहीं, मैंने जो प्रारंभ में कहा, जो अंसारी साहब की बात हो या राहुल गांधी जब जो कह रहे हो, ये यूरोपीय नेशनलिज्म की परिभाषा को इंडिया में लाने का प्रयास कर रहे हैं, पर इस देश में गांधी, अरविंदो, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, इनका तो छोड़िए, वो तो सांस्कृतिक राष्ट्रवादक प्रतिपादक ही रहे, नेहरू तक भी मानते थे कि इंडिया प्राचीन राष्ट्र है, यूरोपीय नेशनलिज्म यहाँ नहीं है कि हम संविधान बनाया उसके बाद राष्ट्र बनाए, ये नहीं है, हम प्राचीन राष्ट्र, ये बात को नेहरू मानते थे। 14 अगस्त रात की भाषण 1947 में, उसमें कहते हैं ए लॉन्ग सप्रेस्ड सोल ऑफ ए नेशन फाइंड्स इट्स एक्सप्रेशन टूडे। वो लॉन्ग सप्रेस्ड सोल ऑफ ए नेशन क्या है? भारत का प्राचीन राष्ट्र, इसके आत्मा का आविष्कार की बात नेहरू भी कहते थे। हाँ, आज उनका पर पोता शायद पढ़ता नहीं है उनके ग्रेट ग्रैंडफादर को, इसलिए कुछ इधर उधर के बयान देते हैं, और बाकी लोग जो यूरोपीय विचार, राष्ट्रवाद विचार से प्रभावित होकर बोलते हैं भारत का राष्ट्रवाद प्राचीन राष्ट्रवाद है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। एक पॉलिटिकल सवाल है, मोदी जी का मिशन है मिशन पूर्वोदय, फोकस है उड़ीसा और पश्चिम बंग, लेकिन बीजेपी का परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे दोनों राज्यों में, उड़ीसा में और पश्चिम बंग में, यहाँ उड़ीसा में 22 साल है, 22 साल तक नवीन पटनायक का सरकार है, यहाँ मिशन था, नारा था 120 मिशन, वो फेल हो गया बीजेपी का। पश्चिम बंग में भी आपका मिशन फेल हो गया, क्यों हो ये मिशन क्यों फेल हो जाता है? देखिए, भले ही उड़ीसा में जहाँ तक प्रश्न है, चलिए असेंबली इलेक्शन में जितनी सफलता चाहते थे उतना नहीं मिला, ये बात का कोई इनकार नहीं कर सकता। मोदी जी का मिशन पूर्वोदय को लेकर उड़ीसा की पूरी जनता मोदी जी के साथ है, राज्य में हमको और मेहनत करना पड़ेगा, राज्य में इस समय नवीन बाबू की सरकार 20-22 साल से चल रही है, कई कारणों से चल रही है, उनका पूरा तंत्र ही राजनीति करता है, ऐसा बोलते हैं लोग। कारण क्या क्या कारण है आपको? प्रशासनिक तंत्र ही राजनीति करता है चुनाव में, ऐसा लोग कहते हैं। मैं उड़ीसा का प्रभारी नहीं रहा हूँ, इसीलिए मुझे ग्राउंड पर हमारे कार्यकर्ता जो कहते हैं इतना ही मुझे जानकारी है। तो कई कारणों से चल रहा है, हो सकता है कि कुछ अच्छा काम भी किए होंगे इसलिए लोग चाहते होंगे, बट यहाँ भी मुझे विश्वास है जैसा मोदी जी को इतना अच्छा समर्थन उड़ीसा की जनता ने दिया, पार्लियामेंट में बंगाल में भी दिया, असेंबली में भी, बंगाल में फेल्यूर नहीं था, हमारा 3 सीट से लगभग 80 सीट तक बीजेपी पहुंच गई है, ठीक है सरकार नहीं बना पाए, पर जल्दी आने वाले समय में उस दिशा में भी प्रयास होगी। शुरू से ही यहाँ का सरकार अभियोग कर रहा है कि सेंट्रल नेग्लिजेंस, केंद्र का अवहेला, अभी रेलवे बजट आया है 9000 करोड़ आया है, क्या कहेंगे आप, सेंट्रल सच में सेंट्रल नेग्लिजेंस हो रहा है उड़ीसा को?
भाई बिल्कुल नहीं है, सेंटर से पूर्ण सहयोग इस राज्य को मिलता है, यह राज्य सरकार ही है, कई सेंट्रल स्कीम्स को अमल ही नहीं करता है जी, जैसे कि हेल्थ केयर स्कीम सरकार का है, आयुष्मान भारत है, यहाँ अमल नहीं होता है, सरकार का अपना दूसरा स्कीम है, बट पूरा यूज उस स्कीम के लिए यूज होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस लाइक एम्स, उसी पर ही होता है। सेंटर कभी भी उड़ीसा के प्रति कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिया, उड़ीसा हमको राजनीति से प्रश्न नहीं है, उड़ीसा की जनता का हित चाहिए, इसलिए मोदी जी की सरकार भरपूर समर्थन उड़ीसा सरकार को दे रही है, देती रहेगी, ठीक है, वो सरकार उपयोग करे नहीं करे, बट केंद्र से कोई कमी नहीं रहेगी। बाकी रही बात राज्य सरकार को केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, कंधे से कंधे मिलाकर चल नहीं रहा है उड़ीसा गवर्नमेंट, इसलिए चलना चाहिए क्योंकि जनता ने राज्य सरकार को, इतना तो याद रखना चाहिए, जो जनता यहाँ इस राज्य सरकार को चुना है वही जनता दिल्ली में मोदी जी को भी चुना है जी, उड़ीसा से भी, उड़ीसा में जो लोग आपको वोट दिए हैं वो बीजेपी को भी वोट दिए हैं, इसलिए जनता का कहना स्पष्ट है, आपको मोदी जी के साथ चलना है, इस बात को यह सरकार समझ ले। लास्ट में एक ही सवाल, ये आप, हम ये मानते हैं कि वोट परसेंटेज बीजेपी का बढ़ा है उड़ीसा में, लेकिन संगठन अभी भी दुर्बल है। जैसे मैंने कहा, मैं इस राज्य का प्रभारी नहीं रहा, बट संगठन का हमारा, मैं पहले देखता था बहुत कमजोर था, वहाँ से आज संगठन काफ़ी आगे बढ़ा है। नहीं, संगठन कमजोर होता तो इतनी बड़ी सफलता लोकसभा में वगैरह हम हासिल नहीं कर सकते हैं। हमेशा विजय प्राप्त करने के लिए संगठन को और मजबूत करना पड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं है, मानते हैं पहले से ज्यादा अच्छा ताकतवर वोट इसलिए बढ़ा है क्योंकि संगठन बड़ा स्ट्रांग हुआ है, और स्ट्रांग होना चाहिए, और काम करना चाहिए, और काम करेंगे तो हम राज्य सरकार में भी विजयी हो जाएंगे 2024 को, मुझे पूरा विश्वास है 24 में तो यहाँ अच्छा परिवर्तन आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। राम माधव कहते देशर राजनीति कथा कहते उड़ीसा कथा मध्य कहते विशेषकर शेषे जो कथा से कहले जे संगठन कथा जिते कहले जे आहुरी परिश्रम करिया पड़ 2024 जदि अधिक परिश्रम करे बीजेपी ताहले उड़ीसा रे मध्य 2024 सरकार करि परिबो बीजेपी, एक कथा राम माधव कहते समय सरी विदाय दिंतु, नमस्कार।